चलिए अभी हम देखते हैं प्रिंसिपल एंड फंक्शनिंग ऑफ दिस वैक्सीन। तो जो वैक्सीन है वो एक्चुअल में हमने डिस्कस किया जैसे कि वैक्सीन जो खोजा था उसका उनका नाम जो था वो है एडवर्ड जेनर, 1796 के अंदर उन्होंने डिस्कवर किया था। तो वैक्सीन इज अ एक्चुअल सस्पेंशन, ये एक सस्पेंशन है ऑफ एटेन्यूएटेड और वीकेंड इनएक्टिवेटेड पैथोजन। क्या है ये? इनएक्टिवेटेड पैथोजन का सस्पेंशन है और इट इज ऑल्सो हैविंग राइट एंटीजेनिक प्रोटीन जो कि पैथोजेनिक प्रोटीन बोलते हैं बाय अ पैथोजन एंड इट इज टेकन ओरली और बाय इंजेक्टिंग इट। इसको हम कैसे ले सकते हैं? आइदर बाय इंजेक्टिंग, एक्चुअल में जो पैथोजन होता है उसको लिविंग फॉर्म तो होता है पर उसको इनएक्टिवेट किया होता है और फिर उसको हम इंजेक्ट कर सकते हैं या फिर ओरली ले सकते हैं। तो व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रोसेस? जैसे कि अ पर्सन इज टेकिंग द इनएक्टिवेटेड पैथोजन, तो पर्सन अगर उसके अंदर हम इंजेक्ट करते हैं क्या एटेन्यूएटेड पैथोजन, यानी कि वो लिविंग है पर उसका वायरुलेंस हमने कम कर दिया है, तो पर्सन के अंदर क्या बनेगा? एंटीबॉडीज बनेगी। एंटीबॉडीज जो बनेगी वो ये एटेन्यूएटेड पैथोजन को डिस्ट्रॉय करेगी, पर ये एंटीबॉडीज बनी और ये जो पूरा प्रोसेस था राइट वो मेमोरी बी और टी सेल स्टोर कर देते हैं। बी एंड टी सेल्स, ये पूरा जो एनकाउंटर था वो स्टोर हो जाता है उसके अंदर और उसके बाद ये एटेन्यूएटेड था। अभी यही पर्सन को अगर हम सेकेंड टाइम देखते हैं तो पर्सन के अंदर अगर एनकाउंटर होता है एक्टिवेटेड पैथोजन का ड्यू टू सम रीजंस राइट, ये हमने किया था, पर अगर सेकेंड टाइम कोई एक्टिवेटेड पैथोजन, वही एक्टिवेटेड पैथोजन जिसको हमने एटेन्यूएटेड फॉर्म में उसके अंदर इंजेक्ट किया था या फिर ओरली दिया था, वही अगर अंदर आता है तो तुरंत ही ये सेल इफेक्टर सेल्स बन जाएंगे और इट विल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज, जिससे ये पैथोजन पर्सन के अंदर क्या बनेगा? लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज जिससे कि इसका डिस्ट्रक्शन हो सके, डिस्ट्रॉयज द एक्टिवेटेड पैथोजन विच इज प्रेजेंट इन द पर्सन। तो ये हो गया एक प्रोसेस, क्यों? क्योंकि उसके अंदर पहले से ही एंटीबॉडी बनी थी, उसकी मेमोरी भी स्टोर हो चुकी थी, तो जब उसके अंदर एक्टिव पैथोजन या फिर प्रोटीन बनते हैं तो वो तुरंत ही एक्टिव हो जाएंगे, ये इफेक्टर सेल बन जाएंगे और तुरंत ही उस पर एंटीबॉडीज बनने की शुरुआत हो जाएगी, लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस एंड इट विल किल। पर ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है। अगर अब दिस इज एक्चुअली एक्टिव इम्यूनिटी, पर उसके बाद अगर पर्सन को एकदम तुरंत ही इम्यूनाइजेशन की जरूरत है, जैसे कि ड्यूरिंग स्नेक बाइट है ना, टॉपिक इज पैसिव इम्यूनाइजेशन, तो जो हमारा टॉपिक है पैसिव इम्यूनाइजेशन, इफ अ पर्सन, ये अलग है ये अलग है, पैसिव इम्यूनाइजेशन के फादर है वन बेहरिंग, जिन्होंने एंटी डिफ्थेरियल सीरम को डेवलप करके उसको इंजेक्ट किया था सिप के अंदर, वो ही पैसिव इम्यूनाइजेशन के फादर है वॉन बेहरिंग। तो टॉकिंग अबाउट पैसिव इम्यूनाइजेशन, इसके अंदर अगर पर्सन को स्नेक बाइट हुआ है, पर्सन स्नेक बाइट टू अ पर्सन, तो तुरंत ही पर्सन को हम ये प्रोसेस में नहीं ले जा सकते कि वैक्सीन
इट रिक्वायर्स क्विक रिस्पॉन्स। तो क्विक रिस्पॉन्स के लिए क्या देना पड़ेगा, फर्स्ट स्नेक बाइट्स टू अ पर्सन, तो पर्सन को, पर्सन इज गिवन प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, पर्सन इज गिवन प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज और एंटी टॉक्सिन, जिसके अंदर प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज रहते हैं, एंटी टॉक्सिन्स क्या होता है इसके अंदर, ये सस्पेंशन के अंदर प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होते हैं जिससे कि इसके जो टॉक्सिन्स है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। नाउ दिस इज अ टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन, जहां हम बाहर से ही प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज देते हैं, बॉडी के अंदर नहीं बनने के नहीं बनता है, ये पहले ही हम उसको डिलीवर कर देते हैं। उसके बाद एक टेक्नोलॉजी आई जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए। इट इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो हम पढ़ने वाले हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये पूरा आप देख रहे हो, ये जो पहला प्रोसेस था उसका जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल देखिए यहां पर मेमोरी बी और टी, तो प्रिंसिपल इज टोटली बेस्ड ऑन मेमोरी, मेमोरी बेस पर ही सेकेंड टाइम एक्शन हुआ था। अभी हम यहां पर देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से वी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस एंटीजेनिक प्रोटीन, जो प्रोटीन है पैथोजेनिक प्रोटीन, वी आर एबल टू प्रोड्यूस बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी इन बैक्टीरिया और ईस्ट, राइट। क्यों? क्योंकि जो डीएनए होता है उसको हम लिंक करते हैं, जो पैथोजन का डीएनए होता है उसको हम लिंक कर सकते हैं बैक्टीरियल डीएनए के साथ, क्योंकि उसके पास सर्कुलर डीएनए रहता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, और वो बैक्टीरिया अभी एंटीजेनिक प्रोटीन बना सकता है जिससे वैक्सीन का लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि एंटीजेनिक प्रोटीन बनना जरूरी है जिससे हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर सके और उसके सामने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करा सके, पर ये हम पैथोजन में जितना प्रोडक्शन होता है उससे कई ज़्यादा बैक्टीरिया और ईस्ट को इसके अंदर हम करा सकते हैं। कैसे? कि पैथोजन का जो डीएनए रहता है वो लिंक करते हैं हम, और उसके बाद उस बैक्टीरिया के अंदर डाला जाता है वो डीएनए, और या फिर ईस्ट, एंड दैट आर कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक ईस्ट और बैक्टीरिया, जिससे बैक्टीरिया के अंदर लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सकता है ऑफ वैक्सीन। सो दिस इज ऑल अबाउट द वैक्सीनाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन। इसके अंदर एक एग्जांपल भी है जिसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जिसे आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इन ट्रांसजेनिक ईस्ट। फ्रॉम ट्रांसजेनिक ईस्ट ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज फॉर्म्ड बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी। सो दिस इज ऑल अबाउट द वैक्सीनाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन। चलिए अभी हम समझते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी, जैसे हम हायर वर्टिब्रेट्स हैं हम, तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो होता है, ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो रहता है, ह्यूमन इम्यून सिस्टम इज एबल टू डिस्टिंग्विश द फॉरेन एंड सेल्फ, सेल और फिर ऑर्गेनिज्म, ये सब आइडेंटिफाई कर सकता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है। जनरली ह्यूमन इम्यून सिस्टम का जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज एबल टू डिस्टिंग्विश, ये डिस्टिंग्विश कर सकता है किस चीज को, तो फॉरेन और
सेल्फ। ये हमारा एक कैरेक्टर है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर द सेल और पैथोजन इज फॉरेन और फिर सेल इज ऑफ सेल्फ और नॉट। पर व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस, ये हमको अभी भी समझ में नहीं आया है। बेसिस को अंडरस्टैंड अभी तक हमने नहीं किया है, पर इसके दो प्रपोजिशन हो सकते हैं। ये एबिलिटी के दो प्रपोजिशन यानी कि टू कोरोलरीज आर पॉसिबल ऑफ दिस ह्यूमन इम्यून सिस्टम। टू कोरोलरीज ऑफ दिस एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश, यानी दो प्रपोजिशन हो सकते हैं ये जो हमारी एबिलिटी है डिस्टिंग्विश की, उससे कि एक एक तो वर्टिब्रेट कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ एंड फॉरेन, राइट, एबल टू डिस्टिंग्विश, राइट, सेल्फ एंड फॉरेन, फॉरेन सेल और पैथोजन और फॉरेन ऑर्गेनिज्म। दिस इज एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश। जनरली हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर ये इवॉल्व हो गई है अच्छे से, राइट, यानी इट इज एबल टू डिस्टिंग्विश सेल्फ एंड फॉरेन सेल और फॉरेन पैथोजन, जिसे ऑर्गेनिज्म, पैथोजन तो नहीं लिखना है यहाँ पर, यू कैन ऑल्सो राइट पैथोजन और ऑर्गेनिज्म, जिससे कि हमारी बॉडी उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। दूसरा एक प्रपोजिशन ऐसा भी है कि बॉडी इट्सेल्फ अटैक्स द बॉडी सेल्स, बॉडी इट्सेल्फ अटैक्स द बॉडी सेल्स, यानी कि हमारे खुद के ही बॉडी के प्रोसेस से जो एंटीबॉडीज बनेगी वो खुद के ही बॉडी सेल्स को अटैक कर देगी, जिसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, राइट, यानी कि बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल्स एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यूनिटी, यानी कि वी हैव नॉट हैविंग द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश। ये सेल्फ सेल को ही अटैक कर देती है एंटीबॉडीज, जिससे ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं जिसको। और उसका एक एग्जांपल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, राइट, दैट इज आल्सो एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। थैंक यू। चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। उसमें जो सबसे पहला है वो है मायस्थेनिया ग्रेविस। यहाँ पर हमने लिखा है मायस्थेनिया ग्रेविस। यहाँ पर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको ध्यान में रखनी है कि एंटीबॉडीज आर अटैकिंग द सेल्फ सेल्स। तो कैसे अटैक करती है, तो मायस्थेनिया ग्रेविस के अंदर जो एंटीबॉडीज बनती है वो सीधा एसिटोकोलाइन रिसेप्टर्स पर अटैक करती है और एसिटोकोलाइन रिसेप्टर्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे क्या हो जाएगा, जैसे ही एसिटोकोलाइन रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हमारा जो नर्व कंडक्शन है, राइट, नर्व कंडक्शन डिप्रेस हो जाएगा और मसल का मूवमेंट भी थोड़ा वीक हो जाएगा। लेटर ऑन जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, लेटर ऑन द मसल्स विल गेट डीजनरेटेड। तो दिस इज अबाउट द मायस्थेनिया ग्रेविस, जिसके अंदर हमारी ही एंटीबॉडी किस चीज को डिस्ट्रॉय करती है, एसिटोकोलाइन रिसेप्टर्स। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नर्व कंडक्शन, राइट, ये हमने पढ़ लिया है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। तो यही डीजनरेट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी नर्व कंडक्शन डिप्रेस होके मसल्स आगे जाके वीक होते जाएंगे और फिर डिजनरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज परनीशियस अनेमिया। परनीशियस अनेमिया के अंदर हमारी खुद की जो एंटीबॉडीज रहती है वो सीधा अटैक करेगी कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ये हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में आ गया है, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर इसको डिस्ट्रॉय करेगी। एंटीबॉडी अटैक्स द कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, जिससे कि क्या होगा कि हमारा विटामिन B12 जो फूड में होता है वो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। विटामिन B12 का जब एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा
तो ऑटोमेटिकली विटामिन B12 की कहाँ पर ज़रूरत है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ RBC, ये भी हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन ब्लड के अंदर हमने पढ़ा है कि RBC फॉर्मेशन और मैचुरेशन के टाइम पर विटामिन B12 इज़ वेरी एसेंशियल, जिसकी वजह से RBC डिक्रीज हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे परनीशियस अनिमिया, जिसके अंदर कौन सा फैक्टर के सामने एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलेटेड टू डाइजेशन। यहाँ पर एक थर्ड डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं हाशिमोटो डिसीज। हाशिमोटो डिसीज के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी आर फॉर्म्ड अगेंस्ट थायरॉयड ग्लैंड, हमारे खुद के थायरॉयड ग्लैंड के सामने ही अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनती है, जिससे कि थायरॉयड ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन होता है। इट कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड जैसे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो हार्मोन सिंथेसिस होता है, थायरॉयड हार्मोन्स, वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थायरॉयड ग्लैंड इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड, जिससे हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। वी हैव दिस ऑल्सो स्टडीड इन केमिकल कंट्रोल एंड इट्स कोऑर्डिनेशन। द लास्ट वन इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके बाद दो बची हैं, IDDM एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो NCERT में आए हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एग्जांपल दिया गया है। तो पहले देखते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एंटीबॉडीज फॉर्म्ड आर डिस्ट्रॉइंग द माइलिन सीथ, माइलिन सीथ को ही डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कि न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग कैसा हो जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा, जिससे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगा। दिस इज अबाउट माइलिन सीथ डिस्ट्रक्शन एंड दैट डिजीज इज रिफर्ड एज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अभी हम देखते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड IDDM, दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अबाउट ऑटो इम्यूनिटी इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि ये NCERT टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, और इसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि वॉट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी, IgM टाइप की एंटीबॉडी, जिसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड फैक्टर, इज प्रेजेंट इन द पर्सन हैविंग ऑटो इम्यूनिटी। और ये एंटीबॉडी से क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इट विल कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो कि मूवेबल जॉइंट्स के अंदर रहता है, जो कि हमने पढ़ा है लोकोमोशन और मूवमेंट्स में, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में जो मूवेबल जॉइंट्स हैं, राइट, कंप्लीटली मूवेबल, उसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन, वहाँ पर उसका इन्फ्लेमेशन होगा। अगर उसको हम ट्रीटमेंट नहीं देते हैं तो ये मेम्ब्रेन ठीक होता जाएगा और साइनोवियल फ्लूइड का भी सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। नाउ ड्यू टू द थिकनिंग ऑफ दिस मेम्ब्रेन एंड इंक्रीज ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, दिस विल कॉज अ पेन, इट विल एक्सर्ट द पेन, इससे पेन होगा। और उसके बाद ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो एक कैरेक्टराइज्ड ग्रेन्यूल्स से हम उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। इसके बाद एक स्पेसिफिक टाइप की ग्रेन्यूल्स बनने की शुरू हो जाएगी, एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स होगी वो, जिसको हम बोलेंगे पेनस। पेनस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मेम्ब्रेन आगे जाके एक ग्रेन्यूल बनाना चालू कर देगा जो कार्टिलेज के सरफेस के पर पाई जाएगी। दिस विल कॉज द इरोजन ऑन द कार्टिलेज, और उसके बाद ऑसिफिकेशन चालू हो जाएगा, जिससे कि बोन मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कार्टिलेज का इरोजन हो चुका है और ऑसिफिकेशन यानी बोन डिपोजिशन शुरू हो गया है, जिससे कि बोन्स नाउ आर नॉट मूवेबल। इसका फिजियोथेरापी या फिर हीट ट्रीटमेंट या फिर इसका जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है ट्रीटमेंट में। इसके बाद जो आता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस टाइप 1, इसके अंदर एंटीबॉडीज जो होती है वो बीटा सेल्स पर अटैक कर देती है, पेनक्रियास के बीटा सेल्स पर। क्या होता है, व्हेन इट अटैक्स द बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, ये इंसुलिन बनाते हैं। अभी इंसुलिन नहीं बनेगा बॉडी के अंदर, तो इंसुलिन जब नहीं बनता है बॉडी के अंदर तो क्या होता है कि इट इज कॉजिंग
इट इज कॉजिंग, जो ग्लूकोज होता है उससे क्या नहीं बनता है, ग्लाइकोजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको क्या चाहिए, इंसुलिन, पर ये नहीं होता है, तो उससे क्या होगा, ड्यू टू दिस ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज, एक्सेस ब्लड ग्लूकोज इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ेगा, जिसको हम बोलेंगे हाइपर ग्लाइसीमिया। नाउ इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन ग्लाइकोसूरिया, क्योंकि ग्लूकोज बढ़ चुका है। इट इज रिजल्टिंग इन एक्सेसिव यूरिन, यूरिन के अंदर भी ग्लूकोज आएगा। पोलीडिप्सिया, एक्सेसिव जब यूरिनेशन होता है तो ऑटोमेटिकली पर्सन को थ्रस्ट भी लगती है, जिसको हम बोलेंगे पोली यूरिया। एंड देन द पर्सन विल ऑल्सो फील हंग्री, क्योंकि बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो हाइपरग्लाइसेमिया हो गया है और उसका कन्वर्जन ग्लाइकोजन में नहीं हो रहा है। पर्सन विल हैड इंक्रीज फूड इनटेक। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी एंटीबॉडीज कहाँ पर अटैक करती है, बीटा सेल्स पर, जिससे कि इंसुलिन सिक्रीशन बंद हो जाता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस टू एज वेल एज द टर्म पेनस, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। थैंक यू। So friends, we are starting a new topic, that is immune system of the body. Immune system of the body is very very important. यहाँ पर कौन कौन से चीज से बनता है पूरा इम्यून सिस्टम, ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो इम्यून सिस्टम के अंदर आएगा लिम्फॉइड टिश्यू, फिर दूसरा है लिम्फॉइड ऑर्गन, द थर्ड वन आर द सेल्स यानी कि लिम्फोसाइट्स, एंड फोर्थ वन इज एंटीबॉडीज, यानी चार हो गए, एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइट्स, लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड लिम्फॉइड टिश्यू। यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है लिम्फॉइड ऑर्गन्स। इम्यून सिस्टम की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इट कैन आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरेन एंड सेल्फ, यानी कि फॉरेन सेल्स और सेल्फ सेल्स को वो डिस्टिंग्विश इजीली कर सकता है। इसकी वजह से इम्यून सिस्टम इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एक तो एलर्जिक रिएक्शंस में, फिर दूसरा जो है वो है कि ऑटो इम्यूनिटी, एंड द थर्ड वन इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि ये अगर हमको मालूम है इम्यून सिस्टम कैसे एक्ट करता है तो ये हम कर सकते हैं और बहुत जगह पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुका है। तो ये हो गया कि इट इज इम्यून सिस्टम ऑफ अ बॉडी इज प्लेइंग अ की रोल इन सर्टेन केसेस लाइक एलर्जिक रिएक्शन एंड ऑटो इम्यूनिटी एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। यहाँ पर अगर आप देखो कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स, कौन से ऑर्गन को हम लिम्फॉइड ऑर्गन बोल सकते हैं, तो जहां पर लिम्फोसाइट्स का दोज ऑर्गन्स विच अंडरगोज लिम्फो, ओरिजिन ऑफ लिम्फोसाइट्स उसका ओरिजिन हो या फिर उसका मैच्योरेशन हो या फिर उसका प्लोरिफरेशन हो, यानी कि उसका नंबर इंक्रीज हो, प्लोरिफरेट करें, यह सभी ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सो बेसिकली दोज ऑर्गन्स विच अंडरगोज द ओरिजिन ऑफ लिम्फोसाइट, वेयर द ओरिजिन ऑफ लिम्फोसाइट अकर्स, सेकंड वेयर द मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर्स, एंड थर्ड वन इज द प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर्स। इन सभी ऑर्गन्स को हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोलेंगे। नाउ इट इज कैरेक्टराइज्ड इनटू टू, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर बेसिकली बोन मैरो एंड थाइमस। सो दिस आर द टू ऑर्गन्स विच
makes the lymphocyte sensitive to antigens, right? यहाँ पर लिम्फोसाइट का क्या होता है, लिम्फोसाइट बिकम्स सेंसिटिव टू एंटीजन, यानी कि यहां पर इसका मैच्योरेशन होता है, लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन यहां पर होता है। उसके बाद वो ट्रैवल करके कहां पर जाते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। वहां पर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का रोल क्या होगा, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स ये साइट प्रोवाइड करते हैं एंटीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए, सो दैट इट कैन इंटरेक्ट विद एंटीजन एंड एज वेल एज इट आल्सो प्रोलिफरेट, लिम्फोसाइट्स आल्सो प्रोलिफरेट इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो यहां पर ऑर्गन्स प्रोवाइड्स साइट फॉर इंटरेक्शन विथ एंटीजन एंड ऑल्सो लिम्फोसाइट प्रोलिफरेट ओवर हियर, लिम्फोसाइट्स प्रोलिफरेट, यानी कि इसका नंबर बढ़ेगा। तो ये हो गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। नाउ वी विल सी वन बाय वन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एज वेल एज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में दो आते हैं, फर्स्ट वन है बोन मैरो। बोन मैरो इज फाउंड इन द बोन, जनरली ये जो एक पार्ट है वो ऐसा पार्ट है जहाँ से सभी ब्लड सेल्स ओरिजिन करते हैं। बोन मैरो गिव राइज टू ऑल द ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट, यानी कि लिम्फोसाइट का बर्थ कहाँ पर होता है, तो बोन मैरो में होता है। तो यहाँ पर सेल्स ऑफ ब्लड ओरिजिनेट हियर including lymphocytes, right? So ये हो गया origin site, B cells का maturation भी वहां पर ही होता है। Now talking about the thymus, thymus को अगर हम समझे तो thymus is generally found at, this is near to the heart, it is a lobed organ, ये एक lobed organ है, it is lobed organ and near heart beneath the breastbone, जो breastbone होता है उसके exact beneath करता है ये locate, तो beneath breastbone एक पिक्यूलरिटी है थाइमस की, कि जब बर्थ होता है तब थाइमस का साइज कैसा रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है। थाइमस इज लार्जर इन साइज एट द टाइम ऑफ बर्थ, बट जैसे जैसे पर्सन प्यूबर्टी अटेंड करता है थाइमस की साइज रिड्यूस होती जाती है एंड इट बिकम्स वेरी स्मॉल, राइट, वो बहुत छोटा हो जाता है। तो दिस इज द पिक्यूलरिटी ऑफ थाइमस, राइट। Now, thymus and bone marrow both provides microenvironment, एक बहुत ही important part है। Thymus and bone marrow both provides microenvironment। किस चीज के लिए माइक्रो एनवायरनमेंट चाहिए, टू फॉर डेवलपमेंट मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट, यानी टी लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट और मैच्योरेशन के लिए बहुत ही अच्छा माइक्रो एनवायरनमेंट ये
प्रोड्यूस करता है, जिससे कि यहाँ पर अच्छे से डेवलपमेंट और मैच्योरेशन हो सके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर हम देखने जाए तो बहुत सारे हैं, जैसे कि स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, उसके बाद पेयर्स, पैचेस, टॉन्सिल्स, ये सब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। इसको सबसे पहले हम स्प्लीन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स में आप लिख सकते हो, एग्जांपल्स में आएंगे स्प्लीन, पेयर्स, पैचेस इन इंटेस्टाइन, देन टॉन्सिल्स, ये सब एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के। जैसे कि हम देख रहे हैं पहला स्प्लीन, स्प्लीन जो है, स्प्लीन इज लार्ज बीन शेप ऑर्गन। तो एक लार्ज बीन शेप ऑर्गन है ये जो है, उसके अंदर ज्यादातर दो टाइप के सेल्स मिलते हैं आपको, लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट्स, और ये एक रिजर्वर के तरह से भी एक्ट करता है फॉर द आरबीसी, इट इज अ रिजर्वर ऑफ आरबीसी। यहाँ पर हम देखते हैं ज्यादातर इसमें कौन से सेल्स रहते हैं, मोस्टली लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स सेल्स आर फाउंड। नाउ दिस इज एक्टिंग एज अ ब्लड फिल्टर, यानी कि इट एक्ट एज अ ब्लड फिल्टर, इट ट्रैप्स द फॉरेन पैथोजन बाय ट्रैपिंग एंटीजन, यानी पैथोजन को ट्रैप कर देगा जिससे कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो सके। सो बेसिकली स्प्लीन इज एक्टिंग एज अ ब्लड फिल्टर फॉर दोज विच आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर ब्लड बोर्न माइक्रोब्स, राइट। उसके बाद इट इज एक्टिंग एज रिजर्वर, एक्ट एज रिजर्वर ऑफ आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स, राइट। सेकेंड है हम देखते हैं लिम्फ नोड्स, सेकेंड इज लिम्फ नोड्स। पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में सॉलिड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन एंडर लिम्फेटिक सिस्टम, दिस ट्रैप्स द एंटीजन एंड देन लिम्फोसाइट्स कैन गेट एक्टिवेटेड सो दैट टू ब्रिंग इम्यून रिस्पॉन्स। ये ट्रैप करेंगे एंटीजन्स को, फिर लिम्फोसाइट यहाँ पर एक्टिवेट हो सकते हैं और उसके बाद उस पर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। तो फाउंड इन एंटायर लिम्फेटिक सिस्टम, राइट, सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं ये एंटायर लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, राइट। इसके बाद दे ट्रैप एंटीजन्स, जिससे क्या होगा, एंटीजन्स को ट्रैप करेंगे तो लिम्फोसाइट एक्टिवेट होती है, लिम्फोसाइट एक्टिवेट टू ब्रिंग अ इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये हो गया लिम्फ नोड्स। द लास्ट वन, लास्ट टॉपिक इज अबाउट द टिश्यू, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जिसमें से 2017 के नीट के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इज फॉर्म्ड बाय एमएएलटी, दैट इज म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो थर्ड इज म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, एमएएलटी, ये टिश्यू है। इसका जो है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू लाइंस द मेजर ट्रैक्ट्स ऑफ द बॉडी, भी मेजर ट्रैक्ट्स, इनर लाइनिंग जो होती है मेजर ट्रैक्ट्स की, वो कौन कौन से मेजर ट्रैक्ट्स, एक हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो, दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो, और तीसरा है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो म्यूकोसल एसोसिएटेड, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, राइट। इसमें ये जो है, इट इज प्रेजेंट
in the lining of major tracts, यानी इनर लाइनिंग्स ऑफ मेजर ट्रैक्स, इसमें आएंगे कौन कौन से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, देन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। टोटल लिम्फोइड टिश्यू में से म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू मेक्स 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू। यानी कि 50% टोटल ऑफ दिस एंटायर लिम्फोइड टिश्यू इज फॉर्म बाय MALD, ये मेजर ट्रैक्स में पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। थैंक यू।